तो आज है धनतेरस का दिन और अभी तक हम लोग सफाइयों में लगे पड़े हैं। बाकी सफाइयाँ तो काफ़ी दिन से चल रही थी, तो आज चल रही है घर में धुलाइयाँ, जिसमें कि मैं मम्मी तो खैर हाथ में चोट लगी हुई है तो थोड़ा मतलब हेल्प करा रही हैं। बाकी हमारी आंटी, उनकी बेटी, मैं, सब हम लोग लग रहे हैं धुलाइयों में। हाय कर दो। बड़ी मम्मी की उंगली टूट गई, उंगली की हड्डी टूट गई, इसलिए तो ये समय में सफाई कर रही हूँ। शाम को मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, जिसमें कि आज मैं जलाऊंगी पूरे 13 दिए धनतेरस के उपलक्ष्य पर। तो 13 दिए जलाऊंगी, कुबेर, लक्ष्मी, गणेश सबकी पूजा करूंगी और अपने धनतेरस को सेलिब्रेट करूंगी। माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी का बस हम पे आशीर्वाद बने और सब अच्छा अच्छा हो सबकी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में जो भी थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बस भगवान उनको ठीक करे, बस यही मैं चाहती हूँ। और सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ, सबका धनतेरस अच्छे से जाए और जिनके भी घर में जो भी दुख तकलीफ है सब ख़त्म हो और सब अच्छा अच्छा हो। तो अब करूँगी मैं आरती गणेश, लक्ष्मी और कुबेर जी की और मंत्र वगैरह पढ़ूँगी। गाइस पटाखे से कितना डरी पड़ी है, 3-4 दिन हो गए बस मेरे साथ, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं जाती है, अब किचन में बैठी हुई है और ये डर के हमारे इसकी जीभ ऐसे हो रखी है। शरी नहीं, कुछ नहीं हो रहा मेरा बच्चा, कुछ नहीं हो रहा, हाँ कुछ नहीं हो रहा, आप घर पे रहो मेरा बच्चा, कुछ नहीं हो रहा। वो देखो, वो तो खैर इतना नहीं डर रहा, बैठा हुआ लड्डू लेके। कोको हाय कर दो, सबको बोलो हैप्पी धनतेरस, बोलेगा धनतेरस। और मैंने बनाई है अभी चाय, तो भोर की चाय डाल देते हैं। बाथरूम में लग रहा चाय गिर गई है थोड़ी, फिर लेते हैं लड्डू। अब नींद आ रही होगी ना ट्यूशन वाले आने का सर का हो रहा, तो बाथरूम में शायद मेरे पीछे पीछे रहेगी, अब यहाँ फिर आएगी। हाँ भाई पूजा कर ली थी, उसके बाद अब मंदिर में बर्तन, और 3-4 दिन तक दिवाली है ना, तो मैं
देखिए आज का मेन्यू, चने की दाल वाली खिचड़ी और पनीर की भुजिया। और बनाइए चटनी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा ही था तो वो डाला है, और ऊपर से मैंने तड़का मार दिया है आज पहली बार, तो देखते हैं पापा को कैसी लगेगी। और हम मम्मी के लिए थाली तैयार करते हैं। रोटी मैंने दो रख दी है, थोड़ी सी मम्मी लेंगी खिचड़ी। थोड़ी सी लूंगी भुजिया, थोड़ी सी लूंगी चटनी, मम्मी आप खा लो खाना। मैं पहले की बातें नहीं कर रहा इस सिचुएशन में, तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा अभी। उससे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी, बट नींबू नहीं है तो ये मैंने लिया है कीनू, कीनू है वैसे ये ऑरेंज या कीनू, तो इसको हम स्पीस कर लेंगे। तो मैंने अभी सोडा वाटर का नाम रखा है नॉन अल्कोहलिक बियर। देखो ये झाग ही नहीं कम हो रहे हैं, मेरे को इसको झाग को ना सेपरेट करना पड़ेगा। ये देखिए तो पी के बताती हूँ। मज़ेदार, अगर आपके घर में नींबू ना हो तो आप ऑरेंज, मौसमी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे लेमन सोडा वाटर बना सकते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी मैंने खाना खाया नहीं है, सोडा पी के अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इतनी थक गई हूँ। सुबह शायद 9 बजे से, 9 बजे से मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, ज़रा सा भी देर लेट के नहीं देखा ना बैठ के, तो कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। और अभी माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और जो मैंने दिखाया ना जितना भी वो सिर्फ झलकती कि हम लोग काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत सारा काम किया आज, बहुत सारा घर का। तो अभी तक देखो जोत जल रही है, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ पूनम एंड ग्लोब एंटरटेनमेंट। प्लीज़ दोस्तों व्लॉग देखिए, टाइम पीरियड बढ़ाइए।